मोहन राजा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गॉडफादर, जिसमें चिरंजीवी सर साथ में कई सारे एक्टर आप लोग को देखने को मिले हैं, जैसे सलमान खान भी, तान्या और साथ में कई सारे दिलचस्प एक्टर। इस फिल्म के पहले दिन की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आप लोग को पता ही है कि 38 करोड़ रुपए की जबरदस्त वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की है, मगर दूसरे दिन की ऑफिशियली आप लोग को अपडेट नहीं पता है कि इस फिल्म ने कितना कमाई की है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग को सीधी पॉइंट पर ले चलता हूँ। मिस्टर रमेश वाला, जो एक बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट देकर जानकारी दिया है कि गॉडफादर फिल्म के जो सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर जो उम्मीद की जा रही थी, उससे बेहतर और उससे बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन की है। मतलब इसके दूसरे दिन की वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन रिपोर्ट सामने आई है 31 करोड़ रुपए की। पहले दिन ये फिल्म ने 38 करोड़ रुपए की कमाई की और दूसरे दिन इस फिल्म ने 31 करोड़ रुपए की कमाई की। टोटल इसके दो दिनों में 69 करोड़ रुपए की कमाई हो जा चुका है, जो ऑलरेडी आप लोग मेरे स्क्रीन पर उनका कटआउट भी देख सकते हैं। वेल, आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस तरह की ऑफिशियली अपडेट सामने आई है। और इस फिल्म की बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का बजट है 90 करोड़ रुपए। 90 करोड़ रुपए इसकी बजट है और दो दिनों में ये फिल्म ने 69 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये फिल्म ने तीसरे दिन कितनी जबरदस्त कलेक्शन करेगी और तीसरे दिन में ये फिल्म कितना धमाल मचाएगी। वेल, आप लोग दो दिनों की इस तरह की कलेक्शन देखकर आप लोग का क्या रिएक्शन होगा, कि ये फिल्म की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होगी, इस पर अपना अपना ओपिनियन जरूर दे और साथ में इस वीडियो को लाइक करे। आगे बहुत सारी मूवी से रिलेटेड अपडेट आने वाली है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, जो होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग।